उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बुधवार की देर रात जारी किए गए यूपीपीएससी पीसीएसजे के परीक्षा परिणाम में सफल हुए छात्रों के घरों में खुशी का माहौल है। वहीं रायबरेली जनपद के शिवम यादव ने भी सिविल जज बनकर अपने परिवार के साथ ही जिले का मान भी बढ़ाया है। आपको बताते चलें कि शिवम यादव मूलतः रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील स्थित पूरे गुड़दी कोरिहरा गांव के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान समय में इनका परिवार रायबरेली शहर स्थित चक भीखमपुर में रह रहा है। शिवम ने कड़ी मेहनत के जरिए पहले ही प्रयास में यूपीपीएससी पीसीएसजे की परीक्षा को पास कर अपने पिता के सपने को पूरा किया है। दरअसल शिवम के पिता प्रेम शंकर यादव सिविल कोर्ट रायबरेली में अधिवक्ता हैं, वहीं उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। शिवम की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा शहर स्थित एसजेएस पब्लिक से हुई, उसके बाद इन्होंने 2014 में क्लैट की परीक्षा पास की और 2019 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके क्या परिचय है? मेरा नाम शिवम यादव है, मैं चक भीखमपुर रायबरेली का रहने वाला हूँ। आपने पीसीएसजे की परीक्षा पास की है, क्या महसूस हो रहा है आपको और क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। कल ही रिजल्ट आया है और घर में काफ़ी खुशी का माहौल है, और मैं दूसरे युवाओं को और लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मेहनत करें और मेहनत से हमेशा आपको सफलता मिलेगी। कितनी रैंक आई है आपकी? मेरी 127वीं रैंक है, 127वीं रैंक आई है मेरी, जिसमें 303 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसमें मेरी 127वीं रैंक है। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि पीसीएसजे ही करना चाहिए? प्रेरणा स्रोत हमेशा से मेरे पापा रहे हैं, उन्होंने ही शुरू से मुझे बताया है कि लॉ भी पापा से ही इंस्पायर हुआ था मैं। उन्होंने ही क्लैट के बारे में बताया, उन्होंने ही जुडिशरी के बारे में बताया, तो हमेशा से वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पापा आपके क्या कर रहे हैं? मेरे पापा यहाँ पे वकील हैं, अधिवक्ता हैं यहाँ दीवानी। अभी हमको जानकारी मिली कि आपकी पढ़ाई के दौरान माताजी का निधन हो गया था, उसके बाद कैसे आपने तैयारी की रहकर कि घर से किसका किसका सपोर्ट मिला? 2008 में जब मैं क्लास 9th में था, स्कूल में था, तब मेरी माताजी का आकस्मिक निधन हो गया था, और उसके बाद मेरे भाइयों ने और मेरे पापा ने, मेरे चाचा ने, इन सब ने बहुत समर्थन किया मेरा, और शुरू से आज तक जो है इन्हीं की वजह से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे दोनों भाई, मेरे पिता और मेरे चाचा हमेशा से मेरे साहस के स्तंभ की तरह खड़े रहे हैं। जज बनने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? जज बनने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कोर्ट प्रोसीडिंग को डिजिटलाइज करना और पेंडेंसी को ख़त्म करना, जुडिशरी में जो पेंडेंसी केसेस की चल रही है उसे ख़त्म करना।